सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम। आज हम उसके आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। पिछले लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स देखा था और अब हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक दैट मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए, प्रत्यास्थता क्या होती है कि एक लॉ है जिसको आप बोलते हैं प्रत्यास्थ नियम या सिद्धांत, जिसे इलास्टिक लॉ कहा जाता है, जिसमें इलास्टिक फेज जो है वो एक चलता है। मान लीजिए कि कोई एक मेटल है, उसको आप क्या करेंगे, बहुत क्लोजली क्या करेंगे, अगर वो मेटल प्रत्यास्थता नियम को फॉलो करेगा, इलास्टिक फेज को फॉलो करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, उस समय जब उसको क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट का पता लगाने के लिए उसके हम प्रत्यास्थता फेज पर लेकर के जाएंगे और एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट को वहां से पता लगाया जा सकता है। मतलब कि कोई भी मेटल है, उसके बीच या उस मेटल का स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, लिखा गया है प्रतिबल और विकृति के मध्य अनुपात निकाला जा सकता है। तो इस स्थिरांक को पदार्थ का गुणांक या फिर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल कहते हैं। दैट इज मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक। देन हम चलते हैं कि उसे कैसे निकालेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो तनन और संपीड़न प्रतिबलों के प्रयोग किए जाने के आधार पर, तनन मतलब टेंसाइल, संपीड़न मतलब कंप्रेशन, उनको यूज करने के आधार पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर स्ट्रेस, उनके आधार पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और वॉल्यूमेट्रिक डिस्टॉर्शन के आधार पर हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। मतलब तीन चीज आपके पास है, वन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड वन इज बल्क मॉडुलस। तो अगर हम अलग अलग जो फोर्सेज हैं उनके आधार पर यदि हम उसको डिफाइन करें तो अलग अलग आपको क्या मिलेगा, मॉडुलस मिलता जाएगा। जैसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात करें, E दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई E, आपको सभी को पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको कैपिटल G से दिखाते हैं, इसका जो वैल्यू होगा वो सिग्मा S अपॉन ES, शियर, शियर वर्ड वहां लग जाएगा, जो कि होगा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, और इसके जो फैक्टर, जो वैल्यूज होंगी उनके आधार पर फिर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रिजिडिटी किसी भी मटेरियल का निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइसन्स रेशियो, प्यासो अनुपात, पॉसो, प्यासो पॉसो, वैज्ञानिक है इनका नाम है, ये उनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा में पार्श्विक विकृति अनुदैर्य विकृति के समानुपाती होती है। इसका मतलब लैटरल स्ट्रेन इज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्ट्रेन। लैटरल और लीनियर स्ट्रेन जो होगा वो क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अगर हम आगे देखें तो सिग्मा डी अपॉन डी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एल अपॉन एल, और डी बाई डी अपॉन, ये दोनों को इधर लाएंगे तो इधर इक्वल टू में कांस्टेंट आएगा वन अपॉन एम सपोज, और उसको हम म्यू से दिखाएंगे, और ये जो म्यू है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी डेल डी सिग्मा डी अपॉन सिग्मा डी इंटू एल अपॉन डी इंटू डी एल इज इक्वल्स टू म्यू। देन ये जो है ये प्रोपोज, ये आपका क्या कहलाता है, पॉइसन्स रेशियो का आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्ट्रेन। देन हम चलते हैं हुक्स लॉ पे। 1676 में हुक्स ने एक लॉ दिया कि यदि किसी द्रव्य पर, इस किसी द्रव्य पर प्रत्यास्थता सीमा में भार प्रयुक्त किया जाए तो उत्पन्न प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता सीमा आप सबको पता है, इलास्टिक लिमिट, उसके अंदर, इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं, उसके अंदर जब किसी द्रव्य पर, है ना, ठीक है, किसी भी मटेरियल पर क्या किया जाए, भार दिया जाए, लोड लगाया जाए, तो उसमें जो विकृति होगी और प्रतिबल होगा वो दोनों क्या होंगे, समानुपाती। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई, सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल्स टू कैपिटल ई। ठीक है, देन एंड्यूरेंस लिमिट,
सहन सीमा क्या होगी। जब किसी धातु पर प्रतिबल की अधिकतम मान ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर धातु को तोड़ दे, सहन सीमा कहलाता है। एंड्यूरेंस आप सबको पता है कि लास्ट लिमिट होगा, उसके बाद वो टूट जाएगा, वो ब्रेकअप ब्रेकडाउन हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज यील्ड पॉइंट, पराभव बिंदु। जब किसी भी धातु की छड़ पर तनन बल मतलब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तब वह इलास्टिक लिमिट के बाद, जब इलास्टिक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब छड़ में बल घटने हुए विकृति बढ़ने लगती, उसकी जो डिफॉर्मेशन है वो बढ़ने लगता है। मतलब कम बल से छड़ की लंबाई कुछ और बढ़ती है थोड़े से बल से और स्थिर हो जाती है, और वो जो स्थिर हुआ पॉइंट है वो है यील्ड पॉइंट, दैट इज पराभव बिंदु। देन हम चलते हैं इंस्पेक्शन ऑफ मेटल्स पर, धातुओं का निरीक्षण। धातुओं का निरीक्षण करने के लिए हमें दो प्रकार के मेथड्स यूज करने पड़ते हैं या किए जाते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड, विनाशी परीक्षण और अविनाशी परीक्षण। नाम से ही क्लियर है, विनाशी मतलब उसमें वो जो धातु या जिसका भी हम परीक्षण कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, और अविनाशी में वो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, वो वैसे ही बना रहेगा। तो देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड में नमूने को, जो स्पेसिमन होता है, नमूना जिसको बोलते हैं, उसको तोड़ देते हैं और उसकी मेटलर्जिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस का पता, फिजिकल प्रॉपर्टीज का पता लगाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मेटलर्जिकल एनालिसिस। मेटलर्जिकल एनालिसिस में देखना है कि दूरदर्शी, आप सबको पता है टेलीस्कोप, तो दूरदर्शी द्वारा क्या करते हैं, क्रैक्स का, वॉइड्स का, इन सब का वहाँ पता लगाया जाता है। फिर इनमें संरचना के प्रकार को, जो संरचना के मतलब कंस्ट्रक्शनल में अगर कोई इम्प्यूरिटीज़ है, अशुद्धता है, इंटरनल इम्प्यूरिटीज़ है, उनकी मात्रा का, अमाउंट का, उनके आकार का, शेप का और उनकी आकृति का, स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सकता है। तो मेटलर्जिकल एनालिसिस ये बाहर से किया गया, दूर से किया गया, या फिर बोल सकते हैं कि बिना हमें मेटल को कुछ अंदर जा करके, कुछ प्रोसेस ना करके, केवल टेलीस्कोप का यूज़ करके हम करते हैं। देन नेक्स्ट इज केमिकल एनालिसिस। रासायनिक विश्लेषण में क्या होता है कि जो मूल तत्व हैं धातु में, जो मूल तत्व मिले हुए हैं, जैसे कार्बन, मैग्नीज, फॉस्फर, सिलिकॉन, ये सब किसी किसी ना किसी धातु में मिले होते हैं, और उनके मिश्रण को, धातु मिश्रण के मूल तत्व जैसे मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, ठीक है, उनके प्रतिशत के संगठन ज्ञात किए जाते हैं। उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल एनालिसिस से आप समझ सकते हैं कि मेटल्स के एलिमेंट्स को हम वहाँ स्टडी करते हैं। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुण। इस विधि में उत्पाद के यांत्रिक या भौतिक गुण ज्ञात किए जाते हैं, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट, हम भी हमने देखा, इलोंगेशन परसेंट, क्रीप, फटीग, वियर, टफनेस एट्सेट्रा, ये हमने देख लिया है ऑलरेडी लास्ट क्लास में, आपको देख पढ़े थे हम, और अगर जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी वो जरूर इसको एक बार देख लेंगे। देन हम चलते हैं वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, भार और अपेक्षित गुरुत्व। विभिन्न धातुओं, मिश्र धातुओं के एक समान आयतन, सेम वॉल्यूम का भार भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। किसी पदार्थ की इकाई आयतन का भार घनत्व कहलाता है, डेंसिटी आप सबको पता है, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। देन पदार्थ का घनत्व तथा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मेटल को पहचानने में सहायक हो सकते हैं। देन हम चलते हैं स्पार्क। स्पार्क इज चिंगारी, आप सबको पता है, ठीक है। एक जब मेटल है उसे घुमाया जाता है और उसे किसी घूमते हुए ग्राइंडिंग व्हील, आप देखे होंगे कभी धार करने वाले के, खासकर जब आप जाते हैं तो आपके धार करने वाले, जब चाकू को वो धार करने वाला उस व्हील पर रखता है तो क्या होती है, चिंगारियां निकलने लगती है। तो ये जो स्पार्क स्ट्रीम है, ये जो निकलती हुई चिंगारियों की जो बौछार है, उस बौछार से हम उसके क्या निकाल सकते हैं, उसको मेटल के नमूने को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं, इस उसकी रंग के आधार पर, उसके आयतन के आधार पर, उसकी प्रकृति और उसकी मात्रा के आधार पर उसे स्टडी करना पड़ता है और उस धातु की पहचान की जा सकती है। ये सारे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, इसमें सभी में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। अब हम बात करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की।
तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स में उनको जो स्पेसिमेन होते हैं उनको ना तोड़ना पड़ता है ना मोड़ना पड़ता है, मतलब वो जैसे हैं वैसे ही उनका आसानी से परीक्षण किया जाता है। तो इसमें जो मुख्य नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वो हम देखेंगे। इसमें है विजुअल इंस्पेक्शन, देख करके किए जाने वाले, आँखों से देख करके, लेंस के द्वारा या माइक्रोस्कोप के द्वारा देख करके परीक्षण किया जाता है। इसमें वॉइड्स को, छिद्रों को, दरारों को, क्रैक्स आदि की जो ज्ञान है वो लिया जाता है। देन सेकेंड वन इज डायमेंशनल एक्यूरेसी, विमीय परिशुद्धता का बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है। डायमेंशन में अगर कोई कमी है तो आपका जो मटेरियल है वो, जो मेटल का जो स्पेसिमेन है वो पर्टिकुलर जहाँ पर बनाया गया वो फिक्स नहीं होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो या तो उसे एडजस्ट करके लगाया जाएगा और उस एडजस्टमेंट में लगाने में उसे डैमेज हो सकता है, या फिर अगर उसके डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं है तो क्या होगा, जब वो काम करने लगेगा तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, जल्दी खराब होने का चांस बन जाता है। तो इसीलिए इनके जो डायमेंशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से नाप करके उसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज़ दूर करके उसमें कोई भी उसको उनको एक्यूरेट बना करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। देन थर्ड वन इज साउंड टेस्ट, ध्वनि परीक्षण जिसे हम कहते हैं। इसमें पदार्थ को हैमर से, हथौड़े से हल्की हल्की चोट देने पर ध्वनि उत्पन्न होती है और उससे भी बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन किया जाता है, उसके टफनेस को और बहुत सारी चीज़ों को निकाला जा सकता है। देन फोर्थ वन इज एक्सरे और रेडियोग्राफी। एक्सरे रेज आप सबको पता है कि एक स्पेशल टाइप की रेज होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं मेडिकल फील्ड में, खासकर आपने सुना होगा, यहाँ पर भी उनका उपयोग किया जाता है। एक्सरे को क्या किया जाता है, पदार्थ के अंदर इंसिडेंट किया जाता है, उन्हें उन पर छोड़ा जाता है और पदार्थ के बाद क्या लगाई जाती है, एक स्क्रीन लगाई जाती है या फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसके चित्र का निर्माण करती है और इस चित्र के जो स्टडी करने से पदार्थ को क्या हो सकता है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी गहराई में कुछ होल है या कुछ उसमें डिफेक्ट है, कैविटीज़ वगैरह है, उसकी पोरोसिटी कितनी अच्छी है, कितना हल्का है, कितना भारी है, कितना डेंस है, ये सारी चीज़ें उसे निकाल सकते हैं। देन अनदर टेस्टिंग इज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और साउंड एनर्जी टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक साउंड, पराश्रव्य ध्वनि, तीन टाइप का साउंड होता है, ठीक है, साउंड वेव्स होते हैं या साउंड का जो टाइप होता है, तो यहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग किया जाता है और पदार्थ के सेम यहाँ पर उसे गुजारा जाएगा और कंटिन्यूटी जहाँ पर भी टूटी होगी वहाँ से ध्वनि क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। एक मेटल का पीस लिया, लेफ्ट साइड से यदि एक छोर से आपने ध्वनि को डाला, बीच में यदि वह बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, कोई भी उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, तो वो सीधी ध्वनि वहाँ से निकल जाएगी, लेकिन यदि कहीं पर कुछ डिफेक्ट है तो वो ध्वनि वहाँ से क्या होने लगेगी, डिस्ट्रैक्ट होने लगेगी और परिवर्तित होकर के कहीं और से वो क्या हो जाएगी, घूमने के बाद हो जाएगी, मतलब उसको टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, ध्वनि की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इन सारे चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, उसको देखा जा सकता है, उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो आज के इस जो फर्स्ट सेकंड क्लास में इतना ही, नेक्स्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो कि हर बार आपके पेपर में आता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।